ऑल राइट गाइज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इंडियन व्लॉगिंग कम्युनिटी को लेकर। ऑल्सो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट 2 डेज से हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया था। स्वेयर मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार हूं, एंड यही रीजन है जिसकी वजह से मैं आप सबके लिए वीडियो नहीं बना पाया। बाकी यार, अब मैं थोड़ा बहुत ठीक हो चुका हूं, सो होपफुली अब से आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। एनीवेज, बढ़ते हैं हमारी आज की फर्स्ट अपडेट की तरफ। सो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है कैरी मिनाटी की साइड से। सो गाइज, रिसेंटली जब कैरी मिनाटी उनके गेमिंग चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो वहीं पर उनको किसी ने सुपर चैट करके कहा कि बिग बॉस विनर एल्विश यादव एंड कैरी मिनाटी में से बेस्ट कौन है। सो गाइज, इसके रिप्लाई में एल्विश यादव ने उस बंदे को बड़ा ही सैवेज रिप्लाई दिया। उनने क्या कहा आप देखिए। कौन है बेस्ट, कैरी और बिग बॉस विनर? अबे लेके था ना, करीब छोड़ गया भाई। मेरे हिसाब से तो हम सभी छूते हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, मुझे क्यों लिया गया, मुझे रीजन चाहिए। तू सब में नहीं आता ना, तू अनोखा है यार, तू स्पेशल। सो गाइज, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है लक्ष्य चौधरी की साइड से। तो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं, एल्विश यादव एंड आसिम रियाज के बीच अभी क्या सीन चल रहा है। बेसिकली आसिम रियाज एक क्लब पार्टी में एल्विश यादव को पोक किया था, जिसके बाद एल्विश यादव ने भी उनको रिप्लाई करा था। बट गाइज, अभी लक्ष्य चौधरी के व्लॉग चैनल से कल एक व्लॉग आउट हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका एक रोस्ट वीडियो आने वाला है, जिसमें वो मल्टीपल बंदों का रोस्ट करने वाला है। गाइज, मैं आपको बता दूं, जिन बंदों का वो रोस्ट करने वाला है उनमें से 2 बंदे एल्विश यादव एंड आसिम रियाज भी होने वाले हैं, क्योंकि लक्ष्य चौधरी ने उनके कल के व्लॉग में इन दोनों को पोक करते हुए कुछ ऐसा बोला है। कुछ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं जो अपने आप को बहुत क्यूट मान रहे, जबकि बहुत क्रिंज हैं। और कुछ तो वे तुमने देखे ही हैं, वे बेचारे मरे हुए का भी फेम खा रहे, कॉल आउट कर करके स्टेज पे, बीच की उंगली दिखा दिखा अपनी। तो आ रही है वीडियो आसिम भाई, ऑब्वियसली मतलब उसने व्लॉग चैनल खोला। मुझे, मैंने हर्ष को भी कहा और भी मैंने किसी को कहा था, मैंने घूम फिर के देखा, किसी ने वही काम कर दिया जिसे दूसरों के लिए कहता था कि व्यूज ये वो, घूम के आ रहे हैं सब यूट्यूब पे। अब बात करते हैं आमिर माजिद के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको हमारी लास्ट वीडियो में बताया था कि आमिर एंड आयरा ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। बट गाइज, मैं आपको बता दूं, अभी फिर से इन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर लिया है। ऑल्सो गाइज, मैं आप सबको बता दूं, आमिर माजिद ने जम्मू के सारे व्लॉगर्स लाइक अलियान व्लॉग्स, जानू स्टंट्स, उन सबको अनफॉलो कर दिया है। सो इसी को लेकर यासिर चौधरी की साइड से आज एक व्लॉग आउट हुआ, जिसमें यासिर चौधरी अलियान ब्लॉग्स एंड जानू स्टंट्स के साथ थे, एंड तभी उनने आमिर माजिद को ब्रूटली एक्सपोज करा है। सो उनने क्या कहा आप देखिए। तू मतलब कभी तरह कहां गया? कौन भागी भाई का आमिर? नहीं हां, ओ चोर है, दल्ला है, दल्ला गाइस। वो इतना गंदा इंसान है ना, इतना गंदा इंसान है, मैंने दुनिया में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। बड़ी दूरी बात ये करनी थी कि बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि आमिर ने आपको अनफॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया। गाइस देखो, जो फॉलो का मसला है वो आपको मैं बताता हूँ। मसला ऐसा था कि वो बंदा गाइस बड़े दिनों से हमारे बीच आ रहा था कि यासिर भाई, अलियान भाई, मेरे से मिलो 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 मिलो, मैंने क्लैब करना है। गाइस मैं वीडियो भी डाल दूंगा, जाकर चेक कर लेना। तो गाइस जो वो इंसान है ना गाइस, मैं अब क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है कि उस इंसान की कोई गाली, उस इंसान की गाइस कोई गाली भी नहीं बनी कि जो मैं उसको दे सकूं। क्या बोलते हैं, सही नहीं? उस बंदे की बात ही क्यों कर रहे हो यार? गाइस वो कहता है मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है। गाइस मेरी आप वीडियो देखो, जाके मैं दिखाऊंगा कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी लड़कियों के साथ वो रहता है। मैं यही कहता हूँ कि फॉलो अनफॉलो छोड़ो, यूट्यूब के बाहर भी एक दुनिया है। तो गाइस अनफॉलो क्या, ये तो ऐसा ही है। तो गाइस बाकी एक बात बोलना चाहूंगा, जो वो इंसान है ना गाइस, वो इतना गंदा, इतना घटिया ना। सो गाइज, आपके कहते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है जानू स्टंट्स एंड राजा डीसी की साइड से। सो गाइज, फाइनली कल 12 बजे जानू स्टंट्स एंड उनकी पूरी टीम का कावासाकी जम्मू में मीटअप होने वाला है। एंड जैसा कि आप सबको पता ही होगा, कल फाइनली जानू स्टंट्स उनकी न्यू सुपर बाइक रिवील करने वाला है। ऑल्सो गाइज, मैं आप सबको बता दूं, जानू स्टंट्स के साथ राजा डीसी भी कल उनकी फर्स्ट सुपर बाइक की डिलीवरी लेने वाला है। सो गाइज, आपके हिसाब से जानू स्टंट्स एंड राजा डीसी कौन सी बाइक लेने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट हम फिर से बात करने वाले कैरी मिनाटी एंड एल्विश यादव के बारे में। सो गाइज, कैरी मिनाटी की साइड से आज एक Q&A वीडियो आउट हुआ, जिसमें वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए। ऑल्सो गाइज, उनके इसी वीडियो में वो एल्विश यादव के सिस्टम वर्ड को थोड़ा सा ट्रोल किया, आप देखिए। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? तोड़ना पटो, यही स्कीम है, 10,000 बार सिस्टम कहने पे बिग बॉस जाने का मौका मिलेगा। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, अबे चलना सिस्टम सिस्टम, मुंह पे मत थू। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, एक तो पहले इसकी बीमारी खत्म करूं मैं। इधर कहां जा रहा है, इधर सो गाइज, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं हमारी आज की लास्ट अपडेट के बारे में। सो लास्ट अपडेट निकल के आ रही है UK07 राइडर की साइड से। गाइज, UK07 राइडर की साइड से आज एक व्लॉग आउट हुआ, जिसमें वो ये बताया कि जल्द ही वो GR एडिशन फॉर्चूनर लेने वाले हैं। बट ये जो देख रहे ना GR, ये GR एडिशन हमारी सुपरा वाला गॉडज़िला वाला एडिशन है गाइज, बहुत लिमिटेड पीसेस बनते हैं अभी, एंड आई गेस ये लेजेंडरी से ऊपर है, राइट? लेजेंडरी फॉर्चूनर से ऊपर है। एंड आई थिंक गाइज मेरा प्लान बन रहा है ये फॉर्चूनर लेने का GR एडिशन, बिकॉज़ ये गाड़ी बहुत यूटिलिटी में है। गाड़ी खड़ी कर दो, बट फॉर्चूनर वाला रोल है। मैं आपको बाहर से भी चेक कराता हूं, बाहर से भी ना बहुत मस्त है, प्लस GR की ब्रांडिंग हर जगह दे रखी है। बाकी गाइस बाहर से चेक करो, क्या मस्त लग रही है। नेक्स्ट गाड़ी वी आर बाइंग दिस, आई प्रॉमिस यू, फॉर्च्यूनर GR। सो गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।